आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, बच्चों की मौत पर लीपापोती कर रही शिवराज सरकार, विधानसभा सत्र में नहीं मिला प्रश्न का जवाब। विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर किया हमला, खाद और यूरिया की कालाबाजारी का लगाया आरोप, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने की कही बात। और देवास में कलेक्टर कार्यालय पर मजदूरों का जमावड़ा, मजदूरी का मेहनताना नहीं मिलने से परेशान है मजदूर, एसडीएम महेंद्र सिंह से लगाई मदद की गुहार। कुछ दिनों पहले भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की हुई मौत के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सदन में सवाल उठाया, लेकिन इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरे मामले में सरकार पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। मसूद की अगर माने तो एक सवाल का भी जवाब सरकार नहीं दे सकी, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से वे शिकायत भी करेंगे। हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू चिकित्सालय में एक बहुत बड़ा हादसा भोपाल का हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे नवजात शिशु जिनको हम बचा नहीं पाए, इस गंभीर पेशेंट को मैंने लगाया था और आज चर्चा में आया। दुर्भाग्य कि हम लोग चर्चा चाहते थे, लेकिन हाउस के क्वेश्चन का पीरियड पूरा के पूरा स्थगित कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन में जो जानकारियां मांगी थी उसमें सरकार स्वीकार कर रही है, एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि चार लोग मरे, और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 4 मृत्यु हुई और 5 का मुआवजा दिया, तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में भाजपा पर खाद और यूरिया की कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगाया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जितना खाद चाहिए था उतना खाद किसानों को नहीं मिला है। वहीं गुना जिले के कलेक्टर को प्रमाण के साथ शिकायत भी की गई थी, लेकिन आज तक खाद माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस बीच जयवर्धन सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर भी जुबानी हमला किया। आइए आपको सुनाते हैं जयवर्धन सिंह का ये बयान। पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया है। कल सदन में सर्वसहमति से हमने ये संकल्प पारित किया कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए मांग कर रहे हैं। कल कहा था हियरिंग होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसमें जो मूल गलती हुई है भाजपा सरकार से, जो अध्यादेश सरकार लाई वही गलत था, जबकि पिछले 20-25 साल से हर पंचायत चुनाव में रोटेशन किया जाता था, जो आरक्षण होता था अगले चुनाव में रोटेशन के आधार पर नया आरक्षण होता था। जब सरकार अध्यादेश लाई उसमें उल्लेख था कि जो आरक्षण 2014 का था उसी आरक्षण पर चुनाव वापस होंगे, जबकि ये स्पष्ट रूप से जो हमारा संविधान है जिसमें प्रावधान है आरक्षण का उसके बिल्कुल खिलाफ है। हापुड़ जनपद में दबंग युवकों का कहर आग बनकर बरस रहा है। हाल ही में मामूली सी कहा सुनी हुई जिसको लेकर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो दबंगों की इस करतूत को उजागर कर रहा है। बता दें हापुड़ में कोतवाली के रजनी विहार का ये पूरा मामला है। यहाँ मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई थी जिसके बाद बीच सड़क में महिला युवक को जमकर पीटा जाता है। हालांकि इस पिटाई के बाद वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही की और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। हापुड़ में आरा मशीन और पिलाई फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग ने छापामार कार्यवाही की है। बता दें विभाग ने हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के गढ़ रोड की फैक्ट्रियों पर छापामार कार्यवाही की। सेल टैक्स विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगामी वक्त में क्या बड़ा खुलासा होता है। शुक्रवार को देवास कलेक्टर कार्यालय पर मजदूर परिवार का जमावड़ा देखने को मिला। दरअसल काम पूरा होने के बावजूद भी लेबर नहीं मिलने से परेशान और नाराज मजदूर बोरिया बिस्तर लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। यहां सभी अपना डेरा जमा कर बैठ गए हैं।
मजदूरों का कहना है कि कटनी और उमरिया से बुलाया गया सोनकच के रिलायती गांव के जंगल में उनसे खुदाई करवाई गई। इसके बाद जब काम पूरा हो गया तो वन मंडल नाकेदार गोपाल सिंह ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें भगा दिया। अब सभी मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पर SDM महेंद्र सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगे महेंद्र सिंह के सामने रखी। SDM ने संबंधित अधिकारी से बात करते हुए जल्द ही पैसे देने को कहा है। समस्या यही है सर, हम कटनी उमरिया के रहने वाले हैं सर, काम करने आए थे। ये आप सोनकच्छ सर, जो सोनकच्छ से 15 किलोमीटर रायलायती गांव है सर, वहाँ जंगल विभाग का मट्टी का काम कर रहे थे पौधे का, तो वहाँ से हमको गड्ढे खुदा के 1.5 महीने से हमको ना कोई पेमेंट मिली ना कोई खर्चे पानी थोड़ा बहुत हमको मिला। और सर मजदूर हैं, भूखन मर रहे हैं सर, ना दवाई उषा का पैसा, इतना ठंडी पड़ रही है सर, तो हम करें तो करें क्या। कितने परिवार सर? हमें 22-25 आदमी हैं सर जी। कब से नहीं मिला आपका वेतन? ये सर 1.5 महीना हो गया सर। के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।